ढेर टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस से जुड़े यूनाइटेड नेशंस के पैनल में शामिल किया है। ये भारत के लिए एक उपलब्धि की बात है। 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक लीडरशिप पैनल है जो यूएन के बैनर तले डिजिटल कोऑपरेशन का रोडमैप तैयार करने के लिए यूएन महासचिव को सिफारिशें देता है। एक ऐसे समय में जब दुनिया में साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद, पेगोसस जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, डार्कनेट, डीप नेट या डीप वेब जैसी साइबर क्राइम देखने को मिलता है, या इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, रैंसमवेयर है, मालवेयर है और साइबर क्राइम्स के अनेकों रूप हैं, जिससे आज इंटरनेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी समझ में आता है। यह फोरम इंटरनेट से जुड़े स्ट्रैटेजिक और अर्जेंट इश्यूज से निपटता है। अल्केश कुमार शर्मा भी अब इस प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। वो केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। अल्केश इससे पूर्व अर्बन डेवलपमेंट और पॉवर्टी उन्मूलन के लिए UNDP के नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। UN महासचिव के दूत अमनदीप सिंह भी IGF यानी इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लीडरशिप पैनल का भाग होंगे। अब बारी आज के सवाल की। आपको बताना है कि इंटरनेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए ग्लोबल लेवल पे कौन से 2-3 बड़े सुझाव आप देंगे, या इसके अलावा आप इंडिया में भी बताएं कि इंडिया में किस तरीके का इंटरनेट गवर्नेंस मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि साइबर अपराध या अन्य इस तरीके के घटनाओं से मुक्ति मिल सके। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।